astrodevam.com की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। अभी तक आपको हमने 9 टिप बताई वास्तु की दीपावली के शुभ अवसर पे, अब 10वीं टिप। ये थोड़ा सा ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में जो है 27 नक्षत्र होते हैं, उनके अधिदेवता हैं। अब इस दीपावली पर हमें उन अधिदेवताओं को प्रसन्न करना, तो कम से कम अपने घर में हमें 27 परिवर्तन करना है। कुछ चीजें बाहर जाएंगी, कुछ चीजें अंदर आएंगी, और कुछ चीजों जो नहीं हो सकती है, कुछ चीजों का स्थान परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज लाएंगे। फॉर दिस से जीवन बड़ा मोनोटोनस सा हो रहा था, एकाकी हो रहा था, एक ही तरह से एक रेखा में चला जा रहा था, कुछ बोरिंग बोरिंग सा हो रहा था, थोड़ा बदलेंगे। कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके कुछ नई नई चीजें लाएंगे, या कुछ फालतू चीजें निकाल देंगे, और कुछ नहीं कर पाए तो एक जो हमने वैसे यहां रखा था, एक गमला यहां रखा था, उधर रख देंगे। वास्तु वस्तु के नियम भी देख लीजिए इसको करने में, लेकिन कुछ चीज जीवन में नई महक आने दीजिए, नया उत्साह दीजिए, और कम से कम 27 ऐसा काम करना, 27 कुछ चेंज लाए। 27 नक्षत्रों के अधिदेवता जब प्रसन्न होंगे इस परिवर्तन से, तो आप सोचिए क्या होगा। नहीं, सारी दिशाओं के अधिपति आप पर कृपा करेंगे, सारे नक्षत्रों के अधिपति आप पर कृपा करेंगे, सारे राशि मंडल के देवता आप पर कृपा करेंगे, चारों तरफ से कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा इस दीपावली, तो क्या होगा, खुशियां ही खुशियां, खुशियों की बौछार होगी। astrodevam.com की तरफ से आपको दीपावली की 10वीं टिप। नमस्कार।